नमस्कार, मेरा नाम है राजपाल शेखावत और आप देख रहे हैं आपनों सीकर। आज हम पहुंचे हैं सीकर के पास ही गांव सिंघासन की श्री बाबा रामदास गौशाला में, और यहां पर एक कहानी है बदलाव की, किस प्रकार से पिछले 2 सालों में गांव के युवाओं ने मिलकर इस गौशाला का कायापलट कर दिया है। जनवरी मकर संक्रांति के दिन गौशाला परिसर में सभी इकट्ठे हुए। उस टाइम पे हम लोगों ने ये सोचा कि इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सहयोग और करना चाहिए गौशाला की उस समय की स्थिति या व्यवस्था देखते हुए। मैंने 15-20 लोगों ने बैठ के एक निर्णय लिया कि व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ग्रुप बना के उसको हम आगे बढ़ाएँ और सोशल मीडिया के नाम से एक मासिक या किसी भी कोई उपलक्ष्य हो, जन्मदिन हो, पुण्यतिथि हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, उस उपलक्ष्य में हम गौ सेवा लेना स्टार्ट करें। तो हमने जनवरी 14 को ये मुहिम स्टार्ट की थी। पहले महीने हमें ठीक सहयोग मिला, फिर फरवरी में हम थोड़ा नीचे आए, मार्च में थोड़ा और नीचे आए। जैसे ही लॉकडाउन पीरियड कोरोना टाइम पे स्टार्ट हुआ, हमें इसमें काम करने का थोड़ा मौका मिला, और उस टाइम पे अप्रैल 2020 से लेकर आज तक गौशाला का एवरेज हम अमाउंट निकाले मंथली तो 3 से 4 लाख रुपये मंथली आ रहा है। आज के दिन बहुत ही सुचारू सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है। कोई भी यहाँ आएगा तो बैठेगा तो उसको यहाँ आत्मिक शांति मिलेगी। यहाँ का वातावरण बहुत साफ़ सुथरा है, साफ सफाई है, अपितु यहाँ की जो संचालन समिति है वो कोई भी यहाँ आएगा तो उसका पूरा स्वागत सत्कार है। आप आके देखोगे तो गायों की और बैलों की अलग अलग व्यवस्था कर रखी है। दुधारू गायें हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। इसके अलावा गायों के लिए चारे की करीब समस्या थी, पहले हरे चारे की समस्या थी तो उसके लिए थोड़ी जगह थी। उसके बाद में गांव वालों ने, ग्राम पंचायत ने, सब ने मिल के गोचर भूमि जो पड़ी थी खाली उस पर तकरीबन 5-6 लाख रुपए खर्च करके उसको डेवलप करके तारबंदी करके आज इस रूप में ले आए हैं कि उसमें हरे चारे की 12 महीने निर्बाध रूप से गायों के लिए व्यवस्था हो सके। कम से कम 3 से 4 खेतों के अंदर उगाया जा रहा है और 12 महीने ये हरा चारा मिलता है। कम से कम 60 बीघा के अंदर ये चारा है और सप्ते में 2 बार दलिया का प्रोग्राम भी रखा जाता है जिससे पौष्टिक आहार गौ माताओं को मिलता रहे। ये गौशाला में नए नए नित्य कार्य होते जा रहे हैं। गांव के युवाओं का भी लगभग तकरीबन 100-150 युवा जो हैं वो ये मान के चलो कि सप्ताह में एक दिन यहां आके ही जाते हैं वो। और उसके अलावा और भी बहुत सी सुविधाएं गौशाला ने दे रखी है, जैसे हरे चारे के लिए सुबह सुबह एक गाड़ी जो निकलती है गांव में भ्रमण करती है 2-3 घंटे के लिए, और उसमें हरा चारा है, बची हुई रोटियाँ जो है, और जो भी गांव का डालना चाहे गौ सेवा के रूप में या गाय को कुछ खिलाने के लिए, तो वो उसमें प्रतिदिन ये सेवा भी चल रही है। वो दिल्ली में एक गौरथ लेके चलता हूँ और हमारे गांव में से जो भी गौ माता के लिए ग्रास देते हैं वो ले जाके मैं गौशाला में खाली कर देता हूँ। और सर बात ये है कि अगर जैसे मेरा गौरथ ख़राब हो जाता है, ऑटो ख़राब हो गया, तो मैं दूसरा ऑटो उपलब्ध कराता हूँ कैसे भी करके, लेकिन ये गौ ग्रास करत कभी नहीं रुकता सर। चारे की समुचित व्यवस्था के साथ ही गोवंश की हर तरह से देखरेख श्री बाबा रामदास गौशाला में की जाती है। हर रविवार को गांव के नौकरी पेशा युवा, महिलाएं व बच्चे गौशाला आते हैं, अपने हाथों से गुड़ खिलाते हैं, बच्चों के खेलने के लिए झूला है, महिलाएं भजन गाती हैं। भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय पत्थर है जिसको गौ सेवा से प्यार नहीं, वह हृदय पत्थर है जिसको गौ सेवा से प्यार नहीं। सिंहासन की गौशाला चहुमुखी विकास की ओर है कि इसका श्रेय
संपूर्ण युवा शक्ति को है। आए हुए लोगों के लिए लस्सी चाय की व्यवस्था भी यहाँ सदैव रहती है, और ये सारा जो सहयोग है ये लोगों के जो सहयोग किया है दान के रूप में या गौ सेवा के रूप में जो सहयोग कर रहे हैं उस राशि से ही संभव हो पाया है। इसमें गौशाला का सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी पैसा आता है वो सीधा गौशाला के खाते में जाता है, कोई व्यक्ति विशेष के खाते में पैसा नहीं जाता है। तो ये कहानी थी बदलाव की, ये कहानी थी श्री बाबा रामदास गौशाला सिंहासन की। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कहानी से प्रेरणा लेंगे और जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे साथ में कमेंट कर शेयर करें, साथ ही अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। हम लगातार ऐसी ही कहानियाँ आपके सामने अपनों सीकर के माध्यम से लेकर आते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।